कुकीज़ हो या नान खटाई सबको खाना पसंद है, बस लगता है कि हम घर पर बनाएंगे तो वैसा टेस्ट नहीं आएगा। तो एक बार ये रेसिपी जो है ज़रूर देखिएगा। हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल किरण क्विजिन किचन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ नान खटाई। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डीप बर्तन ले लिया है और उसमें हम डालेंगे गाय का देसी घी। आज हम इसे देसी घी के साथ बनाएंगे ताकि ये काफ़ी हेल्दी बने। तो जो घी है उसे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि इस तरह की कंसिस्टेंसी मिल जाए। मेल्ट किया हुआ घी नहीं लेना है। तो ये मैंने 3/4 कप घी लिया था, उसके साथ मैं ले रही हूँ पिसी हुई शुगर, ये भी 3/4 कप है। इसे बनाने के लिए मेजरिंग स्पून्स और कप की ज़रूरत पड़ेगी, आप अंदाजे से नहीं बना सकते हैं। घी और शुगर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे घर पर ही चीनी को पीस के लिया है। अब इसे हमें बीट करना है, फेंटना है। उसके लिए मैं इस तरह की मशीन यूज़ कर रही हूँ जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का हैंड बीटर नहीं है तो नॉर्मल विस्क यूज़ कर सकते हैं और एक ही डायरेक्शन में इसे आपको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए बीट करना है, जब तक ये जो घी है वो इस तरह का दिखने नहीं लग जाए। मतलब कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा, काफ़ी फ्लफ़ी स्मूथ हो जाएगा, एकदम वाइट क्रीम जैसा आपको ये घी लगेगा। विस्क से अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन बीटर से ये जो काम है 3 से 4 मिनट्स में हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए हमारा जो लिक्विड मिक्सचर है घी और शुगर का रेडी हो गया है। इसे एक बार के लिए हम साइड में रख देंगे। अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा बोल या फिर आप परात भी ले सकते हैं और एक छन्नी ले लेंगे। छन्नी में हम डालेंगे 3/4 कप बेसन, ये नॉर्मल वाला बेसन ही है जिससे हम कढ़ी या पकोड़े बनाते, बारीक वाला बेसन। उसके साथ हम डालेंगे 1/4 कप रवा, बारीक वाली सूजी, एकदम बारीक वाली है। और यहाँ पर हम लेंगे 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून जितना हम ले रहे हैं यहाँ पे मैदा। अगर आप मैदा नहीं पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह व्हीट फ्लार भी ले सकते हैं, क्वांटिटी सेम रहेगी। इन सभी चीज़ों को छान कर लेना ज़रूरी है, आप चाहे तो पहले से अलग से छान ले। मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ कि बेसन में देखिए इस तरह की गुठलियाँ रहती है। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और 1/2 टीस्पून है यहाँ पर बेकिंग पाउडर। उसके साथ हम डालेंगे इलायची पाउडर 3/4 टीस्पून। इलायची को फ्रेशली क्रस्ट करके डालना है, पहला का पड़ा हुआ पाउडर नहीं लेंगे। और ये है जायफल का पाउडर, मतलब जायफल को ग्रेट कर लिया है, तो ये भी 3/4 टीस्पून जितना मैंने इसमें डाला है। इलायची और जायफल दोनों ही डालना ज़रूरी। अगर आपने सूरत की नान खटाई कभी खाई होगी तो उसमें जायफल का जो टेस्ट रहता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो सूरत की जो नान खटाई है वो काफ़ी फेमस है। इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि जो सोडा या बेकिंग पाउडर है वो एक जगह नहीं रह जाए। तो ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने घी और शुगर का मिक्सचर रेडी किया था वो हम अब इसमें ऐड करेंगे। तो सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर लेना है, परफेक्ट मेज़रमेंट्स है। आपको किसी भी स्टेज पे इसके अंदर पानी या दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और इसे भी हम साफ़ कर लेंगे, मैं एक बार के लिए इसे साइड में रख रही हूँ। और यहाँ पर आपको हाथ ही यूज़ करना पड़ेगा, स्पून स्पैचुला कुछ भी काम नहीं आएगा। तो बेटर होगा कि आप हाथ से ही इसे मिक्स करें, और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ये एक डो का फॉर्म ले लेगा। तो बहुत ही हल्के हाथ से इसे आपको जो है मिक्स कर लेना है। किसी भी स्टेज पे अगर आपको लगे कि ये मिक्स नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप 1 से 2 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है, जैसे हम लड्डू बनाते हैं तो उस तरह मैं बांध के देख रही हूँ तो बहुत अच्छे से बन रहा है। और मिक्सचर अभी काफ़ी मतलब स्मूथ है, लाइक पेड़ा आराम से बना सकते हैं, घी की भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये जो भगोला था वो पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि घी बिल्कुल भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जितनी बड़ी आपको नान खटाई बनानी है उसके हिसाब से आप यहाँ से पोर्शन ले और फिर इसका एक शेप दे दे। इसको हमें अभी पेड़े का शेप ही देना है, तो जैसे हम लड्डू बांधते हाथों में गोल घुमाते हुए, इस तरह देखिए मैंने घुमा लिया है। एकदम स्मूथ बॉल चाहिए, एकदम हल्का सा प्रेस करेंगे बीच में से, और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे पिस्ता। आप चाहे तो यहाँ पे काजू भी लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है तो आप इसे एकदम प्लेन भी रख सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे जो नान खटाई बनाकर जो है साइड में प्लेट में रख देंगे। तो एक और नान खटाई का जो शेप कैसे देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हाथ में देखिए इस तरह घुमाना है आपको,
और बहुत स्मूथली है ना ये बॉल बन जाता है, क्योंकि हमने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ जो सारी चीज़ें ली है ना, तो कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं होगी। अगेन मैंने यहाँ पे पिस्ता लगा दिया और इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है क्योंकि मैं इसे ओवन में बेक करने वाली हूँ। नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। सभी नान कटाई के बीच में इतना गैप होना ज़रूरी है, बिकॉज जब ये बेक होगी तो ये स्प्रेड होगी, फैल जाएगी, तो आपस में चिपके नहीं और एक प्रॉपर शेप मिले हमें नान कटाई का या कुकी का, इसलिए इतना गैप रखना ज़रूरी है। तो अभी इसे मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ कम से कम 20 मिनट के लिए। कुकीज़ को जब आप बेक करने के लिए रखते हैं तो ओवन को आपको प्रीहीट करना है 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर, उसके बाद ही आपको जो है इसे बेक करने के लिए रखना है। तो मैंने यहाँ पर इसे बेक कर लिया था 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए, और हमारी यहाँ पर ये जो कुकीज़ है वो रेडी हो गई है। अब ये काफ़ी ठंडी भी हो चुकी है, तो मैं आपको इसको टर्न करके भी दिखाती हूँ कि इसका जो बेस है वो एकदम परफेक्ट मतलब बनी है, ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं और ओवर बेक मतलब नहीं हुई है, एकदम परफेक्ट कलर आया है। अब हर किसी का ओवन अलग रहता है। मैंने जब यहाँ पर बेक किया तो इसे 20 मिनट्स लग गए, और ये सेम नान कटाई सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ जब मैंने अपने नेबर के यहाँ बनाया, क्योंकि उन्हें ये नान कटाई काफ़ी पसंद आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बना के दो, तो उनके ओवन में ये 15 मिनट्स में ही रेडी हो गई। अगर आप फर्स्ट टाइम ओवन यूज़ कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम कोई भी तरह की कुकी या फिर नान कटाई बना रहे हैं, तो उसका टाइम जो होता है ना बेक टाइम, पहले 15 मिनट्स ही रखिए। आपको लगता है कि 15 मिनट्स में वो बेक नहीं हुई है, ट्रे निकाल के देखे, तो फिर 5 मिनट्स और उसको बेक होने दें। जब हम नान कटाई ओवन में बेक होने के लगते हैं तो वो पेड़े का शेप रहता है, जैसे ही वो स्प्रेड हो जाती है उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, वो नान कटाई का शेप ले लेता है। मीन्स आपकी जो नान कटाई है वो 80% कुक हो गई है, उसे 3 से 4 मिनट और कुक होने दे ताकि उसके ऊपर अच्छा सा इवनली कलर आ जाए और वो अच्छे से कुक हो जाए। मीन्स आपकी नान कटाई जो है बन गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि ये रेसिपी बहुत यूजफुल है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर इसे शेयर करें। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और अगर अभी तक आपने मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।